पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रवक्ता शिक्षक भर्ती 6 से 13 पद पर एक यहाँ पर आंशिक करते हुए एक न्यू अपडेट जारी हुई है। चलिए जानते हैं इसका ऑफिशियल न्यू अपडेट के बाद। तो देख सकते हैं दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आज यहाँ पर एक न्यू अपडेट जारी किया है, जिसमें प्रवक्ता संवर्ग में सामान्य और महिला शाखा के अंतर्गत जो भर्ती निकाली है 613 पदों पर, उसमें यहाँ पर काफी लोग पूछ रहे थे प्रवक्ता संवर्ग में कि भाई जो बिंदु संख्या 6-1 है और 6-2 है, ठीक है, 6-1 और 6-7 में, ठीक है, यहाँ पर जो उल्लेख है कुशल खिलाड़ी उस पर जो एक संतुलन कर दिया गया है आयोग ने, इस पर जो यहाँ पर कुछ कहा है, इसमें कहा कि भाई इसमें कई लोग जो परीक्षा की जाती बताया गया था उन पदों के रिगार्डिंग भाई यहाँ पर जो है सकुशल खिलाड़ी किस तरह के होंगे और आरक्षण का जो मान्य होगा वो कौन होंगे, तो इसी के रिगार्डिंग जो है आयोग ने कहा है कि उत्तराखंड के शासन के सकुशल खिलाड़ी केवल ओलंपिक, विश्व कप, विश्व चैंपियन, एशियन खेल में पदक विजेता प्रतिभा के सकुशल खिलाड़ी हेतु अनुमान्य हेतु जो है आरक्षण भर्ती के समय ठीक है प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जाएगा। और बिंदु संख्या 7-6-7 में लिखा गया है कि उत्तराखंड के सकुशल खिलाड़ियों के लिए जो है शासन निर्देश संख्या आप देख सकते हैं, इस पर जो है उल्लेख 1 मई 2024 को किया गया है। तो इसी संबंध में जो है आयोग ने कहा कि उत्तराखंड अथवा जो उत्तराखंड के जो खिलाड़ी है उसको सबसे खिलाड़ी उनके लिए शासन आदेश जो कार्मिक सतर्कता अनुभाग 2 है उसके द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत और 1 मई 2024 के क्रम में बताया गया है कि 6-1 के अनुसार उत्तराखंड के सकुशल खिलाड़ी और अभ्यर्थी केवल जो है ओलंपिक, विश्व कप, विश्व चैंपियन, एशियन खेल में पदक विजेता प्रतिभा के जो है सकुशल खिलाड़ी अनुमान्य, ठीक है, ये अनुमान्य होंगे ऐसा बताया गया। तो इसके लिए जो है यहाँ पर आरक्षण के संबंध में जो ये होगा ये रहेगा ऐसा बताया गया, यानी कि जो स्पष्टीकरण किया गया भाई इसमें कि जो भी यहाँ पर आरक्षण का लाभ होगा किस किस को मिलेगा, जो सकुशल खिलाड़ी होंगे तो उसके लिए जो यहाँ पर नियमावली है उन नियमावली के रिगार्डिंग जो है इन्होंने बताया है और नियमावली लगाया है उसमें कि 1 मई 2024 के बाद जो फैसला लिया गया है इन सकुशल खिलाड़ियों के लिए वो नियम जारी किए हुए हैं और उन पदों की सापेक्ष ही जो इनको निर्धारित जो प्रारूप में है वो आरक्षण मिलेगा ऐसा आपने कहा।